ये देखो पानी, बहुत सारा पानी देखो, देख रहे हैं आप दोस्तों। हमने यहाँ पर लगभग बहुत सारे चिल्ला पीस निकाल लिए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर हम जाली निकाल लिए, हमारी पासपोर्ट है, ये देखो 100 mm में। और ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पे हमें चिल्ला पीस निकाल लिए हमने। चलो आप अभी क्या है, हमें यहाँ से जाली निकालते हुए उधर जाना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमें कितने पीस निकालते हैं हम देखते हैं। और यहाँ पे नीचे दोस्तों मच्छी है एक, तो देखते हैं ऊपर आने के बाद आपको भी दिखाएंगे। चलो कहाँ पे है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर इसके नीचे एक मच्छी है दोस्तों, एक नहीं दो नहीं तीन, ये देखो दोस्तों, ओ माय गॉड, देखो दोस्तों यहाँ पर चार चार पीस एक जगह पे। और ये देखो ये हमारी 125 की चिल्ला पी, 6 बोटी की चिल्ला पी है, देखो ये देखो कितनी बढ़िया। चलो चार चार फ्लैश चिल्ला पी फीस, चार चार चिल्ला पीस यहाँ पे हमें मिल चुका है दोस्तों। इसी बात पे आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो इसमें चार चिल्ला पीस है, लेकिन ये देखो डेट पूरी डेट हो चुकी है, इसको निकाल फेंक देंगे उधर। चलो अभी जो है ना इसको निकालेंगे, ये बड़ी है। चलो अब इसको तो फाड़ के निकालेंगे क्योंकि वो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। चलो ट्राई करेंगे इसको ऐसा निकालने में ट्राई करेंगे। चलो दोस्तों बहुत यहाँ पे बहुत भारी हार जा रहा है यहाँ पर। चलो ये देखो दोस्तों यहाँ पर हमने चिल्ला पीस को निकाल लिया और डाल देंगे हमारे फिश बैग में। यहाँ पे हमारे फिश बैग, मैंने आपका भी बताया था, हमने उसमें 10-12 केजी के आसपास चिल्ला पीस डाल दी है निकाल के। चलो अभी जो है ना यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 चिल्ला पीस निकाल ली है। और अभी जो उन्होंने जितने भी दोस्तों, आप ये जो पंछी का सुन रही है इसका क्या, मैं आपको इसे बताता हूँ। अभी वो जो मैंने हमें 1.5 चिल्ला फेंक दी है, ये पंछी क्या करते हैं, उनकी आँखें खाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक के सिवा बहुत सारे आते हैं और आपस में झगड़े कर लेते हैं, इसलिए वो सब चिल्लाते। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमें यहाँ पर जो चिल्ला फेंक मिली थी बड़ी, वो ये रही, और इसको हम निकालेंगे। ये 125 की चिल्ला है, 125 mm जाल की चिल्ला है, और ये हमें इसमें अटक चुकी है। चलो अभी इसको भी निकालेंगे फाड़ के, हम क्या कर सकते हैं, फाड़ के निकालेंगे। सो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। और इसको देखो, एक सिर्फ एक फंदे में लगे थे दोस्तों, मैंने उसको तोड़ भी दिया और निकाल भी दिया, और फिश हमारे फिश बैग में डाल भी दिया है। चलो जाले को अच्छे क्लिक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, तो देखिए दोस्तों आगे भी है और बहुत सारे खिंच रही है। देखो दोस्तों कहाँ पर, वो जो थर्माकोल दिख रहा है आपको उसके आगे ठीक सामने, चलो मैं बताऊँगा आपको कहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं, जाले भी निकालेंगे, जाले देखेंगे और चिल्ला फिश भी निकालेंगे। चलो दोस्तों वो कहाँ पे फिर मच्छी थी, देखो दोस्तों मैं इसी थर्माकोल को समझ रहा था, लेकिन ये तो थर्माकोल निकला। चलो यहाँ पे बहुत मेरे को दोस्त धड़का लगा था चिल्लाती फिश का, लेकिन सामने मच्छी है, खेची है, और वो जो है ना इस वाले रस्सी पे लगी है। तो ये बात तो डेफिनेटली मैं बिना देखे बता सकता हूँ। और अभी मैंने देखा, मैं देखा दोस्तों ये बात सच होने वाली, क्योंकि सामने में चिल्लाती फिश इसी रस्सी पे लगी हुई है, ये वाली रस्सी पे। चलो मैं पहले यहाँ पे घास निकाल लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे। चलो घास निकाल लिया है, जाले को अच्छे क्लियर कर लिया है, और दोस्तों फाइनली उस चीज़ का इंतजार था, वो चीज़ आ चुकी है। ये देखो यहाँ पे नीचे चला फिर जिंदा है, और ये रही वो जो हमारे रस्सी में बोल रहा था मैं, ये देखो यहाँ पर वो भी आ चुके है। और इसको मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ये देखो डाल देते बैग में। और ये जो हमारे नीचे मच्छी लगी थी चिल्ला फिश, इसको भी निकालेंगे। कुछ ही मिनट में हम बहुत सारी चिल्ला फिश पकड़ सकते हैं, क्योंकि एक के नीचे एक और बैग टू बैग चिल्ला फिश मिलेंगे, तो हमें ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है 100 kg चिल्ला फिश पकड़ने में, 200 kg भी चिल्ला पकड़ने में। वो कितनी भी हो, अब उसको डिपेंड करता है कि दोस्तों देखो मरी हुई मच्छी के मच्छी खाने के लिए यहाँ पर पंछी कितना ज़्यादा शोर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर एक है, ओके, और वहाँ पर देखिए 5-6 एक जगह पर, और यहाँ पर देखिए दो पंछी आ चुके हैं। देखो यहाँ पर अभी वो झगड़े कर रहे। चलो हम आते हैं हमारे काम पे वापस, मच्छी नहीं मिल रही है। और हमारे यहाँ पे फिश बैग छूट चुकी है, देखो पूरी तरह से छूट चुकी थी। कोई ना दोस्तों आगे बढ़ेंगे। चलो और मैं आपको यहाँ पे देख लीजिए चिल्ला फिश, ये देखो। चलो आगे बढ़ते, तेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए दोस्तों। चलो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे है वो चिल्ला फिश, ये देखो आ गई। ओके इसको निकालेंगे कुछ इस तरह से। और इसको डालेंगे कुछ हमारे फिश बैग में कुछ इस तरह से। ओके चलो, और हम बहुत सारी ट्रेडिशनल फिशिंग करते हैं, जैसे कि नेट फिशिंग, ट्रैप फिशिंग, हुक फिशिंग, मल्टी हुक फिशिंग, समझ रहे बात को, स्लिंग शॉट फिशिंग करते हैं, हैंड फिशिंग भी करते हैं कभी कभी, और कभी और ये जो हमारे कहते हैं क्रैप को भी पकड़ते हैं हम हर टाइप की फिशिंग करते हैं, जिसमें हम अभी तक हमने हमारे चैनल पे मरल फिश के वीडियो डाले हैं, रॉ फिश, पटन फिश, उसको बलो फिश बोलते हैं, यानी हम, और उसको शार्क भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए
बहुत भारी मात्रा में घास है, इसको घास को हम अभी निकालेंगे, बाद में नहीं निकाल सकती। चलो चलो दोस्तों जल्दी घर जाना है, इसलिए जल्दी जाने पड़े। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक साथ दो दो चला फिश मिल चुके, और इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलो इसको लिया निकाल भी लेते हैं, इसकी धारा को जिस तरह से मम्मी उंगली डाल दी और उसको डाल देंगे हमारे फिशिंग बैग में। ओके, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जो ये रही यहाँ पर रही हमारे दूसरे चला फिश, और इसको भी निकालेंगे। और इनमें जो अभी जाले खराब किए उसको निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक साथ दो चला फिश आपने अभी अभी देखा, और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए और चला फिश आ चुके हैं बिल्कुल, और इसके ठीक सामने यहाँ पे भी दो दो चला फिश है। चलो मैं बताऊँगा आपको, पहले आप इससे से निपट लूँ, इसको भी निकाल लिया है और अभी बाहर जाते जाले अच्छे करने की। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे ये देखो इस तरह से घास लग चुकी है, और देखो दोस्तों यहाँ पे एक साथ दो चला फिश अभी बड़ी बड़ी चला फिश है। चलो निकालेंगे, नीचे को भी निकालेंगे, दोनों को भी। ओके चलो इसको डाल देते हैं अभी और इसको निकालेंगे, हालांकि ये बहुत सारी डेड लग रही है लेकिन डेड नहीं दोस्तों, अच्छी है ये। इसको कैमरे में उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं दिखनी, देखने लगने भी देखो अच्छी लग रही है, हम इसको फेंक देंगे क्योंकि बहुत फुल चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तक मच्छी आएंगे दोस्तों, जैसी आ जाएंगी तो दिखा देंगे। और क्या आपको क्या लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और ये देखो दोस्तों एकदम बिल्कुल जिंदा मच्छी है, देखो चिला फिश बिल्कुल जिंदा। इसकी मुँह में कुछ जाले फंदी, जाले के फंदे आट गए और बाकी तो इसके। ओके यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ पे यहाँ पे मेरी जो यहाँ पे उंगली है वहाँ पे, यहाँ पे। चलो ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा छोटी भी नहीं, बिल्कुल हमारे काम की है। देखो यहाँ पर इसे ऑयस्टर के दे, चलो उसका कमल देख लीजिए आप, मैं आपको दिखाऊँगा। ओके इसको पहले मैं तोड़ लेता हूँ। ओके कोई बात नहीं, और ये देखो कुछ इतना देखो पानी दोस्तों, ये देखो पानी यहाँ पर बहुत सारा पानी है, देखो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। अभी ये हमारा जो देखो यहाँ पर जा चुके, ये देखो पानी बहुत सारा पानी, देखो देख रहे हैं आप बहुत सारा। चलो वापस आते हैं हमारे, और यहाँ पे दोस्तों बदक भी आते हैं फॉरेन से, हालांकि अभी वो आए हैं लेकिन हम जहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं उसी इलाके में अभी तक आए नहीं है, जैसे आएंगे तो हम बता देंगे, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखो दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा लगता नहीं है और सब्सक्राइब करने में लगता नहीं, अगर आपको फिशिंग में इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली वीडियो जाने को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। देखते और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एक साथ दो दो चला फिश, देखो दो दो चला फिश एक साथ। चलो और बुरी बात दोस्तों ये है कि हमारे कोई कुछ भी एक भी काम की नहीं है, सब डेड है। चलो निकाल लिए, फेंक भी दिए, दूसरे को निकालती है और इसी के साथ वही करते जो पहले के साथ किया था, क्या इसको ऐसा निकालने का और फेंकने का बस आटका हुआ था। चलो उसको निकाल लिया अच्छे से, बाद में कर दो शाम में निकालिए। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमें जो है ना 125 की चलाप मिल चुकी है, यानी बड़ी चलाप ये 300 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। चलो निकालेंगे, उसके बाद उसके आगे भी चलापी है उसको भी निकालेंगे। पहले अभी क्या करते हमारे घर पर थोड़ी आटे वाले, और दोस्तों देखो यहाँ पर ये चलापी बिल्कुल मर चुकी है। और दोस्तों इसका रीज़न क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, अगर वैसा मौका मिले तो, नहीं तो फिर दूसरे के वीडियो में बता दूंगा। चलो मैंने इसको निकाल के फेंक दिया है। दोस्तों चिलाप किस मरने का कारण ये है कि वहाँ पे उनको कीड़े खा जाते हैं। अभी वो कौन से कीड़े मैं आपको तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी वो ना ही वो कीड़ा ऊपर आने वाला ना ही अच्छी होने वाली। तो शायद दोस्तों मैंने जो पूरे के पूरे जाले यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, और ये रहा हमारा थर्माकोल और अभी जाने वाले घर। तो दोस्तों मैं आपको उससे कुछ दिखाना चाहूँगा, एक बार मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे देख लीजिए, मैंने डाल दिए हमारे नेट के बैग में हमारे जाले। अभी देखो इसको कुछ इस तरह से छोड़ना है दोस्तों, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चलो छोड़ने की ज़रूरत नहीं। चलो इसको ऐसे हम उड़ा लेते क्योंकि शाम को जाले डालने आना है। दोस्तों यहाँ पे जो थर्माकोल हमें नीचे पत्थर से बंधा हुआ है क्योंकि ये अपनी जगह ना छोड़े। और दोस्तों देखो ये रहा पत्थर, इसको रख देंगे हमारे पीछे के साइड हमारे बोट पे, और बाकी जो बचा गारपील है इस चीज़ को गारपील कहते हैं, ये ब्लू कलर की होती है और नायलॉन की बनी होती है, तो फिशिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। चलो तो काम थर्माकोल के ऊपर कुछ इस तरह से रख देंगे, और ये जो हमारा पत्थर है इसको
को जिस तरह से उसको ऊपर उठाना है और यहाँ पे रख दिया मैंने मेरे ठीक सामने हो। देखो ये देखो दोस्तों, हमने कुल मिला के अभी जब से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तब से कुछ इतने मच्छी पकड़ लिए और यहाँ पे इसके आगे भी है ये देखो दोस्तों, और मैं थोड़ा ऊपर पानी फेंक देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट फिशिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।